अरे आप शायद इसे ढूंढ रहे हैं, ये लीजिए। थैंक यू। मैं फिर से तुम्हें कहता हूं कि मान जाओ, तुमने अपने भाई की प्रमोशन के लिए मेरा माल पकड़वाया है। क्यों मान जाओ? मेरा जीवन आपकी ताश की गड्डी का हुक्म का गुलाम नहीं है कि आप जिस हाथ चाहे उस हाथ फेंक दें। यह सही है कि आज इस धंधे में मैं आपकी वजह से हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपका गुलाम हूं। यह तो मैं उस सड़े हुए और झूठे समाज से बदला ले रहा हूं जिसने मुझे इज्जत के साथ जीने का अधिकार नहीं दिया। इस कर्म क्षेत्र में एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ सुनील है। जिस तरह भीष्म अर्जुन को मारने के लिए तैयार नहीं था सेठ साहब, उसी तरह मैं सुनील को मारने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन जिस तरह भीष्म धृतराष्ट्र की सहायता के लिए वचनबद्ध था, उसी तरह मैं आपकी सहायता के लिए वचनबद्ध हूं। अगर सुनील की गोली आपकी तरफ आई तो उसे आगे बढ़कर मैं अपने सीने पर रोक लूंगा, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि आप मुझ पर इल्जाम लगाए, क्योंकि मैं इसका बुरा भी मान सकता हूं। उस दिन से डरिए सेठ साहब, जिस दिन मैं इन बातों का बुरा मानना शुरू कर दूंगा। शाबाश शाबाश। अरे भाई तुम तो छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हो। अरे भाई 80 लाख के हीरे पकड़े गए हैं, 2 लाख की बात होती तो मैं सुटा जाता। इस बात का तो मुझे भी दुख है सेठ साहब। तो फिर कोई तरकीब सोचो ना। तुम तो जानते हो कि मेरा दिल कितना कमजोर है, मैं इतना बड़ा धक्का बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक तरकीब है, वो तंत्रनाथ की बेटी है ना। अरे भाई क्या नाम है उसका, अच्छा वाला नाम है। अरे वही जिसका चक्कर सुनील के साथ है। हम एक काम करते हैं, हम उस लड़की को उठवा लेते हैं और फिर सुनील से कहते हैं हमारा माल वापस कर दो, हम तुम्हें तुम्हारे माल वापस कर देंगे। उस लड़की के लिए ऐसा मत कहो सेठ साहब। उस लड़की से मेरे भाई सुनील की शादी होने वाली है। शाबाश शाबाश। अरे भाई अभी भी तो तुम गोली को फेर देने की बात कर रहे थे और अब रिश्तेदारी की बात क्या दिलवा रहे हो? हम उस लड़की को खा जाने वाले थोड़े हैं, बात वापस मिलती उसे हम इज्जत से लौटा देंगे। नहीं, हरगिज नहीं।